गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री अग्रसेन पीजी कॉलेज की डिजिटल कक्षाओं में आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। आज है 2 अक्टूबर का दिन। आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले थे, उनसे महका हिंदुस्तान। और वो कौन कौन से 2 फूल थे? एक तो है परमपिता राष्ट्रपति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जो हमारे बापू जी हैं, और एक थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। और दोनों विभूतियों का आज जन्म दिवस है, और इसी जन्मदिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज का पावन दिवस, आज का केमिस्ट्री का लेक्चर सादर समर्पित है इन दोनों महान आत्माओं के लिए। और मैं भी उम्मीद करता हूँ आप भी विश्व में अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए नित निरंतर नए दिन हर समय आगे प्रगति के मार्ग पर अपना कर्म करते हुए उन्नति करते रहें और बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। और आज हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल वे यौगिक जिनमें बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन परमाणु सल्फोनिक समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, उसे सल्फोनिक अम्ल कहते हैं। एक हाइड्रोजन परमाणु किसका? बेंजीन का। किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा? सल्फोनिक समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो जो बनने वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या कहलाएगा? सल्फोनिक अम्ल कहलाएगा। इनको सल्फ्यूरिक अम्ल का व्युत्पन्न भी माना जाता है। देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल में देखना आप, H2SO4 होता है, OH दोनों जुड़े हुए हैं, बीच में SO2। तो सल्फ्यूरिक एसिड किसको हमने प्लस कर दिया? बेंजीन को प्लस कर दिया। बेंजीन के पास एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन रिप्लेस किसके द्वारा हो रही है? SO3OH समूह। इसमें कौन सा समूह जुड़ा हुआ है इसको देखें, SO3 हो गया H समूह। SO3H समूह कौन सा समूह है? सल्फोनिक समूह, ठीक है ना। तो बेंजीन का एक हाइड्रोजन किसके द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है? सल्फोनिक समूह द्वारा। और बनने वाला कौन कहलाएगा? एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड। कौन रिलीज हुआ यहाँ पर पूरी प्रोसेस में? पूरी प्रोसेस में कंप्लीट रूप से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है। तो कुल मिलाकर एरोमेटिक बले से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन या रिप्लेसमेंट SO3H समूह या सल्फोनिक समूह द्वारा हो जाता है। तो बनने वाला एरोमेटिक समूह, एरोमेटिक यौगिक क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सल्फोनिक अम्ल। क्लियर हुई बात? अब हम देख लेते हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ सल्फोनिक एसिड, इसको बनाने की विधियाँ कौन कौन सी विधियाँ हैं, कौन कौन सी मेथड हैं सल्फोनिक एसिड बनाने की, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और डाल देते हैं टॉपिक प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक अम्ल बनाने की विधियाँ। तो पहली विधि हम देख लेते हैं, नंबर 1 मेथड क्या हो जाएगी। पहले तो हम इजी काम करते हैं, कोई मेथड हमें बनानी होती है, कोई प्रोसेस करनी होती है, उसको हम पहले इजी वे में करते हैं, भाई ये काम हमारा चल जाएगा। तो डायरेक्ट सल्फोनेशन मतलब सीधे सल्फोनीकरण द्वारा, किसके द्वारा हो जाएगा? सीधे सल्फोनीकरण द्वारा। सीधा सल्फोनीकरण क्या है भाई, ये क्या प्रॉब्लम आ गई सीधे सल्फोनीकरण में? तो देखें, बेंजीन वाले हैं, अब हमें जो लाना है इसमें जो बनाना है वो हमें देखना, SO3H हमें चाहिए, ये SO3H चाहिए, सल्फोनिक समूह चाहिए हमें, मोस्टली रिक्वायरमेंट है हमारे SO3H की। वो कहाँ मिलेगा भाई?
ये तो यहाँ पर है, ये कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक, कुल मिलाकर सल्फ्यूरिक एसिड से हम रिएक्शन करवा देते हैं। तो डायरेक्ट सल्फोनेशन में किसके साथ रिएक्शन करवा देते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा देते हैं। अब सल्फ्यूरिक एसिड दो कंडीशंस हैं, एक तो कंसेंट्रेशन है 98% ले लिया, कंसेंट्रेशन सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, और दूसरा है सधूम फ्यूमिंग H2SO4। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं पहली स्थिति, नंबर वन है पहली फ्रॉम कंसेंट्रेट H2SO4 किसके द्वारा है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड कैसा है? कंसेंट्रेट। और ये बेंजीन बल्ले में एवरी जो आपको दिखाई दे रहा है, एवरी जो घुमाव है, एवरी टर्न इस बल्ले में, उस जगह कार्बन है, उस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन दिखाई नहीं देती बिकॉज ये लाइनर फॉर्मूला होते हैं। तो HOH बेंजीन वाले का हाइड्रोजन और सल्फ्यूरिक एसिड का OH किसके रूप में रिलीज हो जाएगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। और ये निकल जाएगा भाई किसके रूप में? वाटर मॉलिक्यूल के रूप में निकल जाएगा, निकल गया। अब बचा कौन? बेंजीन के पास एक वैलेंस इसकी घट गई, ये इस तरह से। और SO2OH ये भी परेशान है, ये किस तरह से? SO2OH कह रहा भाई मेरे पास पहले OH रहता था, बेंजीन बोल रही मेरे पास पहले हाइड्रोजन रहती थी, अब क्या हुआ कि यार मेरे पास हाइड्रोजन नहीं है, उसने अपना बॉन्ड तोड़ लिया। ये कह रहा मेरे पास OH था, उसने अपना बॉन्ड तोड़ लिया। मतलब कुल मिलाकर H और OH आजकल जल के रूप में रहने लग गए भैया, कुछ नहीं है। ये भी परेशान है, ये भी परेशान है, बहुत आर प्रॉब्लम, दोनों ही परेशान है, दोनों के बॉन्ड ब्रेक हुए हैं। फिर इसने कहा ऐसा काम कर भैया, तेरा भी एक बॉन्ड टूटा है, मेरा भी एक बॉन्ड टूटा है, अपन एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो पुराने बॉन्ड टूट गए और नया बॉन्ड बन गया, और नया बॉन्ड था SO3OH का। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, या करके SO3H। तो ये हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्या हो जाएगा ये? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर हुई बात? आप देखो रिएक्शंस में आप बिल्कुल नहीं घबराएं, आप हमेशा अपने आसपास क्या हो रहा है उस पर अप्लाई करने का प्रयास करें। यदि आप बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, नोट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे और उसी को रटते रहेंगे तो आप, मैं समझता हूँ, भूल जाएंगे। मेरा अनुभव है और मैं तो उसी हिसाब से चलता हूँ, पुराने बॉन्ड तोड़ो और नए बॉन्ड जोड़ो, ये फॉर्मूला है। पुराने बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, नए बॉन्ड बनाना पड़ेगा, दैट मीन्स यही लाइफ है, यही जीवन है और यही रासायनिक अभिक्रिया है, परिवर्तन ही नियम है इस केमिस्ट्री का। तो HOS बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा है? सांद्र। और इसके पास कौन सी जो रिएक्शन कौन सी हुई है, इसका नाम है सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। क्लियर हुई बात? डायरेक्ट सल्फोनीकरण में क्या होता है, डायरेक्ट सल्फोनीकरण में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। पहली बात हम करेंगे फ्रॉम कंसेंट्रेट H2SO4 के साथ, और ये कौन बन गया? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और अब दूसरी यहाँ पर फ्यूमिंग H2SO4 की बात करें, सेकेंड हम देखें सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल, किसके साथ? सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवा दें। सेकंड फ्रॉम फ्यूमिंग H2SO4, फ्यूमिंग मीन्स सधूम H2SO4 द्वारा। मैं समझता हूँ आप जानते हैं सांद्र क्या है, सधूम क्या है, तनु क्या है,
फिर भी मेरा एक दोबारा से बताने का प्रयास है आपको। फ्यूमिंग जो शब्द है, सधूम जो शब्द है, इस पर हम फोकस कर लेते हैं। फ्यूमिंग स्ट्रेस ऑफ फोर का अर्थ होता है H2SO4 प्लस SO3। सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड में SO3 घुली हुई है, H2S2O7, इसे ओलियम भी हम कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ओलियम, H2S2O7, या इसे हम ओलियम भी हम बोल सकते हैं, H2S2O7 ओलियम, है ना कमाल की बात। H2SO4 में कौन मिला हुआ है? सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल कौन मिला हुआ है? SO3 मिली हुई है एक्स्ट्रा मात्रा में, तो इसे हम बोलेंगे फ्यूमिंग H2SO4 या सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल। से धूम, किसके धुएं मिल रहे हैं इसमें? SO3 के धुआं और मिल रहे हैं इसमें, इसलिए सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोला गया। क्लियर हुई बात? अब इसमें देखो जो प्रोडक्शन होगा वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें SO3 और मिली हुई है, SO4 में भी SO3 मिली हुई है, तो यहाँ पर जो बना था सीधे सल्फोनीकरण में सान सल्फ्यूरिक एसिड से वो बना था बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और यहाँ पर मेटा डाई बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा, मतलब सल्फोनिक अम्ल के सॉरी सल्फोनिक समूह दो हो जाएंगे। देखते हैं कैसे, इसमें लिख देते हैं मेटा डाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, ये बात क्लियर कर दी। हाँ जी, ये बेंजीन बड़ी प्यारी ही बेंजीन है, और यहाँ पर लिख देते हैं H2SO4, हम नीचे लिख देते हैं फ्यूमिंग, और इसको भी बोलेंगे सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। यहाँ पर ध्यान देना H2SO4 भी है और उसमें SO3 मिली हुई है, तो हम इसको इस तरह लिख देंगे SO3 हो जाएगा फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो एक तो यहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा SO3H, और एक मेटा कंडीशन पर जोड़ देंगे SO3H, तो इसको क्या हो जाएगा? डाई सल्फोनिक अम्ल दो जगह जोड़े हुए हैं तो डाई सल्फोनिक हो गया ना, तो इस तरह से यहाँ पर जो नाम हो जाएगा मेटाबेंजीन डाई सल्फोनिक एसिड, मेटाबेंजीन यार ये इस तरह होगा मेटाबेंजीन डाई सल्फोनिक एसिड, तो नाम इसका हो जाएगा मेटाबेंजीन डाई, मतलब दो कौन है सल्फोनिक समूह, तो सल्फोनिक एसिड, वही बात क्लियर। तो डायरेक्ट जो सल्फोनेशन होता है उसमें दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने इस रिएक्शन को, एक तो था कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन द्वारा, और सेकंड था बाय फ्यूमिंग H2SO4, मतलब सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा। सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल में जो मात्रा थी SO3 की वो ज़्यादा है, इसलिए मेटाबेंजीन डाई सल्फोनिक एसिड इसका नाम हो जाएगा और ये बन जाएगा। अब इसकी अगली जो कंडीशन हम देखें, यदि फ्यूमिंग टेम्परेचर यहाँ पर बहुत अपना रोल प्ले करेगा डायरेक्ट सल्फोनेशन में भी, टेम्परेचर कम टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर दोनों में बहुत अंतर है, टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर पर यदि हम करें नॉर्मली डेली लाइफ में टेम्परेचर की बात करें तो गर्मियों में हमारा शरीर टेम्परेचर से बहुत प्रॉब्लम में आ जाता है, और वही टेम्परेचर सर्दियों में हमें बहुत अच्छा फील करवाता है, टेम्परेचर ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ टेम्परेचर पर भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस प्रभावित होती हैं, अफेक्टेड होती हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं बेंजीन टेम्परेचर का सल्फोनेशन पर इफेक्ट,
प्रोडक्शन प्रभावित होता है। जो उत्पाद है वो प्रभावित होगा, और वो उत्पाद किस तरह प्रभावित होगा, लगभग 200 और 300 पर, दोनों पर फ्यूमिंग है, बेंजीन देखो, बेंजीन एरी, बीचों में मध्य में कौन रख दिया मैंने, बेंजीन। अब रिएक्शन करवा रहे हैं भैया हम इस किसके साथ, प्लस फ्यूमिंग H2SO4 टेम्परेचर है 300 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर है, 300 डिग्री सेल्सियस। और एक दूसरी जो रिएक्शन है वो भी है फ्यूमिंग H2SO4, टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस। बीच में कौन है जिससे उत्पाद बनाए जा रहे हैं, वो है बेंजीन। तो यहाँ पर देखना टेम्परेचर इफेक्ट क्या होगा, SO3H और SO3H, 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 और यहाँ पर देखना SO3H, SO3H। अब यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ट्राई, और यहाँ पर कौन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 1, 3 डाई। अब मैंने डाई और ट्राई लिख के छोड़ दिया है, अब आप समझ गए डाई क्यों लिखा, ट्राई क्यों लिखा। एसओ थ्री कितने, 1, 2, 3, 3 एसओ थ्री है, एक तो एसओ थ्री है, 1 नंबर कार्बन, दूसरा है तीसरे नंबर कार्बन, और तीसरा है पांचवें नंबर कार्बन पर, तो 1, 3, 5 ट्राई बेंजीन गलत हो जाएगा, तो 1, 3, 5 या बेंजीन 1, 3, 5 ट्राई सल्फोनिक एसिड, बेंजीन 1, 3, 5 ट्राई सल्फोनिक एसिड। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात कौन सी है, 300 डिग्री सेल्सियस पर ये बना है, वो गलत हो गया इधर, और 200 पर ही देखो 300 डिग्री सेल्सियस पर तीन आ रहा है ना अक्षर, तीन, तो तीन एसओ थ्री जुड़ जाएंगे, इस बात को नोटिस कर लेना, 300 में तीन आ रहा है, सब एक गणित का अक्षर आ रहा है, 300 में तीन, तो तीन एसओ थ्री क्लियर कर लेना, 200 डिग्री सेल्सियस दो आ रहा है तो दो एसओ थ्री जोड़ देना, हो जाएगा 1, 3 बेंजीन, 1, 3 डाई सल्फोनिक एसिड। तो 300 में तीन, तीन एसओ थ्री जोड़ने, 200 में दो, तो दो एसओ थ्री जोड़ने, ये टेम्परेचर क्लियर हो जाएगा लोचा आपका, जो माइंड में आ रहा है टेम्परेचर कैसे याद करें कैसे नहीं करें, तो ध्यान देना ज़्यादा है टेम्परेचर ज़्यादा एसओ थ्री जोड़ना है, कम है कम एसओ थ्री जोड़ जाएंगे, और भी क्लियर करना है 200 तो दो, 300 तीन तो जोड़ देना, 300 में तीन और 200 में दो एसओ थ्री जोड़ देना। इस तरह से सीधे सल्फोनीकरण अम्ल बनाने की प्रक्रिया में टेम्परेचर अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्लियर हुई बात। अब अगली जब हम देखें इसे बनाने की विधियाँ,
नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड्स है, क्लियर हुआ भाई आपका? अगली जो प्रिपरेशन मेथड वो देख पाएंगे हम, और वो है सल्फ्यूरिल क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा। फ्रॉम सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सेकंड है फ्रॉम सल्फ्यूरिल क्लोराइड, एंड बेंजीन, बेंजीन और सल्फ्यूरिल क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा। बेंजीन कहाँ पर है? ये रही भाई बेंजीन, एक हाइड्रोजन निकाल लेते काम आएगा ये। सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl, SO2Cl सल्फ्यूरिल क्लोराइड, रिएक्शन फॉलोड बाई टू स्टेप्स, दो पदों में अभिक्रिया संपन्न होगी, और ये रिएक्शन जो होगी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होगी, और इस तरह रिएक्शन जो बन जाएगी वो है, नाम तो सुना ही होगा आपने, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन बन जाएगी? फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया AlCl3, और ये कैसा है? एनहाइड्रस, निर्जल, जल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जल से बहुत नफरत करता है, क्योंकि जल हो जाएगा तो ये डीकम्पोज हो जाएगा, ये अपघटित हो जाएगा, और ये केमिकल एक तरह से अशुद्ध हो जाएगा और रिएक्शन करवाने लायक नहीं बचेगा, इसलिए इसको शुद्ध निर्जल। तो H इधर का और Cl इधर का, रे वाह कौन निकल गया भाई ये? अजी ये तो HCl निकल गया, और कौन सी स्टेप में निकला भाई? स्टेप फर्स्ट में निकला भाई, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद क्या हुआ? H था पहले यहाँ पर, आजकल H नहीं है यार, पहले H रहता था इस जगह, क्या पहले H रहता, आज H नहीं है, कौन है इस जगह अब? अरे आजकल SO2Cl रहते हैं यहाँ पर, कौन रहता है? SO2Cl रहता है भाई। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा? जो SO2Cl बना है स्टेप फर्स्ट में, ये SO2Cl फिर रिएक्शन करेगा किसके साथ? किसके साथ रिएक्शन करेगा? यही तो समस्या है यहाँ पर, हमें क्या चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, ध्यान देना, हमें चाहिए SO3H, ये चाहिए भाई हमें। यहाँ पर कहाँ तक पहुँच गए? SO2 तो है यार, एक ऑक्सीजन और चाहिए और एक हाइड्रोजन और चाहिए अभी, तो कौन चाहिए देखो किस तरह से, SO2 तो है यहाँ पर, और एक O चाहिए और एक H चाहिए, हमें ये चाहिए, एक OH और चाहिए कम से कम, हमें OH कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा OH मिलेगा, चिंता मत करो आप, हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट या जल बोलते हैं, और ये भाई हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, जल ने कहा मैं हूँ ना। तो स्टेप सेकंड, और Cl इधर का और H इधर का, अरे वाह वेरी गुड, ये तो हो गया माइनस HCl, चले गए, तो ये चले गए, क्लोरीन चला गया यार, तो क्लोरीन जाने पर कौन बचा? क्लोरीन चला गया, SO2 रहा है इधर, SO2 का भाई कौन आ रहा है इधर से, चिंता मत करो हम OH लेकर आ रहे हैं। ये बड़ा प्रसन्न हुआ कि मुझे दिए चाहिए, हम भी प्रसन्न हो गए, हमें भी यही बनाना है, तो क्या हो जाएगा, या करके क्या लिख देते हैं, चलो आपके लिए लिख देते हैं SO3H, और इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, बेंजीन
सल्फोनिक एसिड, वेरी गुड। तो ये इसको हम कौन सी रिएक्शन बोल सकते हैं, ध्यान है आपको, इसको हम कह सकते हैं फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। और फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया कहती है मैं इम्पोर्टेंट हूँ, चिल्ला कर कहती है मैं ग्यारहवीं से इम्पोर्टेंट हूँ, मुझे ज़रूर पढ़ना, हमने भी कह दी तो इम्पोर्टेंट है, तो हम तेरे पढ़ रहे हैं वास्तव में। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिल क्लोराइड और बेंजीन की रिएक्शन से भी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का निर्माण होता है, प्रिपरेशन होता है। आपने देखा दिस रिएक्शन फॉलोड बाई टू स्टेप्स, स्टेप फर्स्ट में बेंजीन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2 एंड इसका पहला Cl इसका हाइड्रोजन HCl रूप में रिमूव हो जाता है और जो बनता है प्रोडक्ट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसे हिंसबर्ग अभिकर्मक भी हम बोलते हैं। क्या नाम है इसका? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, दैट मीन हिंसबर्ग एजेंट, बेंजीन सल्फोनिल और क्लोराइड, बहुत ही प्यारा नाम है। और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का फिर क्या हुआ, क्लोरीन जाना चाहिए और OH आना चाहिए, तो कौन है ऐसा व्यक्ति? वो व्यक्ति है वाटर, वाटर लाके आए भाई, पानी पिलाया इसको, पानी पिलाया तो क्लोरीन बाहर निकल गई, H को साथ लेके चली गई, HCl निकला बाहर, OH इधर जुड़ा, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना। कैसी लगी आज की कक्षा? मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी अहिंसा दिवस, खुश रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, केमिस्ट्री हमेशा लगातार पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, ओके।